अपने आप को हिंदुवादी बताने वाले गांधी परिवार में जाने क्यों कोई नहीं मनाता रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया। जैसा कि सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई हस्तियों ने भी पूरे श्रद्धा भाव से इस त्योहार को मनाया। लेकिन इसी बीच एक ऐसी कहानी भी सामने आई जिसने कांग्रेस पार्टी की पोल खोल डाली। जी हाँ, हमेशा से सच्चे हिंदूवादी होने का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी इन दिनों रक्षाबंधन के चक्कर में फंसती दिख रही है। यूं तो देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जहां हिंदुस्तान की सभी हिंदू बहनों ने अपने अपने भाइयों की कलाई पर रेशम की राखी बांधी। लेकिन वहीं एक गांधी परिवार इस त्योहार से किनारा करता नजर आया। बिल्कुल सही समझा आपने, प्रियंका गांधी ने रक्षाबंधन पर अपने भाई राहुल गांधी की कलाई पर राखी नहीं बांधी। शायद अपने पहले कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस में जहां एक ओर हर साल रमजान में इफ्तार पार्टी आयोजित की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्योहार नहीं मनाया जाता है। नहीं, गांधी परिवार की एकलौती बहन प्रियंका गांधी अपने बहन राहुल की कलाई पर राखी बांधती है और न ही ये परिवार इस त्योहार को मनाने में कोई खास रुचि दिखाता नजर आता है। जब प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति जैसे बड़े दिग्गजों ने रक्षाबंधन का त्योहार मानते हुए सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें लोगों से साझा की, तो ऐसे में लोग दिन भर गांधी परिवार की राखी देखने के लिए राहुल प्रियंका की फोटो भी ढूंढते रहे। सब सोच रहे थे कि जिस तरह राहुल गांधी मंदिरों में जाकर टीका लगवाते आए दिन नजर आते हैं, वैसे ही शायद उन्होंने राखी की फोटो भी लोगों से साझा की होगी। लेकिन जब लोगों को सभी सोशल साइट्स खंगालने के बाद भी राहुल और प्रियंका गांधी की रक्षाबंधन की कोई फोटो नहीं मिली, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। लोगों ने गांधी परिवार की आलोचना करते हुए ये तक कह डाला कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केवल नाम से हिंदू हैं, असल में ये लोग धर्म से ईसाई हैं और यही कारण है कि ये लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते। नहीं, रक्षाबंधन पर आज तक दोनों की कोई फोटो दिखाई दी है। जहां कई लोग गांधी परिवार के इन भाई बहनों की आलोचना करते नजर आए, तो वहीं कई लोग इस बात के चलते दोनों की सोशल मीडिया पर चुटकी लेते दिखे। आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में किरण यादव भी कहां पीछे रहने वाली थी। ट्विटर पर चुटकी लेते हुए उन्होंने तो ये तक कह डाला कि अगर कोई कांग्रेसी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रक्षाबंधन की फोटो दिखा दे तो मैं जिंदगी भर कांग्रेस को वोट दूंगी। वैसे तो राजनीति में आलोचना का दौर कभी किसी के पक्ष में चलता है तो कभी किसी के, लेकिन ये बात तो वाकई सोचने वाली है कि जिस गांधी परिवार की ओर से हर साल इफ्तार पार्टी की फोटो लोगों से साझा होती आई है, ऐसे में जब उसी परिवार से रक्षाबंधन की एक भी तस्वीर सामने न आए तो सवाल तो उठना लाजमी ही है।